आत्मा कोई काम करेगा आज रात आपके लिए। जब आप प्लेन में बैठते हो कभी पूछते हो ड्राइवर है गाड़ी में, कभी ट्रेन में बैठते हो चुपचाप टिकट लेके बैठ जाते हो ट्रेन में ठा देसी बैठ जाते हो कि नहीं, कभी पूछते हो हेलो ड्राइवर आ गया कि नहीं, और यहाँ पर पूछते फिरते हैं, करे पादरी आ गया फिर चलेंगे, पादरी आ गया चर्च में फिर चलेंगे, फिर बैठने के लिए चलेंगे, यहाँ पूछते हैं लोग, कहता है विश्वास करना ट्रेन में, कहता पूछता नहीं है, प्लेन में बैठने से पहले पूछते नहीं है, जब मसीह के प्लेन में बैठ गए हो पूछना नहीं है, वो बैठा है यहाँ पर चलाने के लिए तैयार है, वो उड़ाएगा आज रात आपको, आपके काम खोलने के लिए तैयार। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रभु की बात रखना चाहता हूँ जिसके वजह से लाखों करोड़ों लोग चंगाई छुटकारा पा सकते हैं, अपनी बीमारियों से आजाद हो सकते हैं। तो आज वो बात आपके लिए सुनने के लिए, वो वचन आपको सुनने के लिए, तो वीडियो बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वो बात बताने जा रहा हूँ आपको जो आज आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि मेरे भाइयों मेरे बहनों आज हर एक प्रकार की परेशानियों में पड़े हुए हैं, कोई ना कोई समस्या उन्हें सता रही है, कोई कर्ज है, कोई रोग है, कोई बीमारियां हैं, कोई लाचारी है, कोई परिवार में तनाव है, कोई कलेश है, कोई कोर्ट में फंसा हुआ है, कोई नाना प्रकार की बुराइयों में जा रहा है, कोई किसी का फायदा उठा रहा है, कोई किसी का लूट रहा है। इन सब के लिए प्रभु ने एक ही बात कही है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो परमेश्वर का राज्य का मुकुट पाएगा। मेरे भाई बहनों वो बात प्रभु ने इसलिए कही है कि जो आपके साथ बीत रही है, मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि एक मरीज अगर वो बीमार है तो उसे अंत तक प्रभु को थामे रखना है, क्योंकि मारने वाला शैतान नहीं है, प्रभु हमारा जिलाने वाला, उसने हमें छुआ है तो वो उसे चंगाई देगा। आपका विश्वास इस तरह होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको चंगाई नहीं दे सकती, केवल परमेश्वर। तो जो मेरे भाई बहन अस्पतालों में पड़े हैं उन सब के लिए ये वचन है कि आप प्रभु का हाथ थाम ले और आगे बढ़ जाएं, प्रभु आपको उस बीमारी से तुरंत छुटकारा देने वाला है। आप विश्वास करें इसी क्षण आपके अंदर बदलाव होगा, इसी क्षण आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जो लोग रोगी हैं खासकर उन लोगों के लिए, और जो लोग कर्ज में हैं आप बीज बोना चालू करें, आप प्रभु के कामों में शामिल हो जाएं, आपका कर्ज भी चुक जाएगा और आप खुद दयावंत हो जाएंगे, लोगों को देने वाले बन जाएंगे। आप बीज बोए प्रभु के नाम से, वो काम करते रहे जो काम आप कर रहे हैं, और प्रभु के लिए बस अपना दिल और अपना समर्पण रखें। प्रभु कोई धन का भूखा नहीं है, प्रभु कोई किसी भी बात के लिए लालसा नहीं रखता, प्रभु हमारे प्रेम का भूखा है, क्योंकि हम उसके प्रेम में बंधे हुए हैं, हमारे प्रेम के लिए क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए उसने जान दी। तो मेरे भाई बहनों अगर आप कोई सी भी समस्या में हो, कोई सी भी प्रॉब्लम में हो, तो ये ना सोचे कि आप अकेले खड़े हैं, परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। आप महसूस करें सिर्फ उसे पुकारे, वो हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, वो आप उसके लिए द्वार खोल दे, फिर देखेंगे आपके जीवन में ऐसी कोई सी समस्या नहीं है जो बहुत बड़ी है, सब छोटी की जाएगी और प्रभु आपके साथ खड़ा है। विश्वास करें और चंगाई छुटकारा पाए और परमेश्वर के प्रेम में बन जाए। आमीन।